तो दोस्तों, अगर आप भी अपने आधार कार्ड का यूज़ करके अपना ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल फ़ोन से वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको लाइव दिखाने वाला हूं। सो अगर आप भी अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अपना वोटर आईडी कार्ड आपको ऑनलाइन बनवाना है तो उसके लिए क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन करना है। उसके बाद सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है वोटर टाइप करके आपको बस सर्च करना होगा। उसके बाद पहले नंबर पर ही आपको वेबसाइट मिल जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगला इंटरफेस जो होगा इस वेबसाइट का इस तरीके से आपके सामने दिखाई देगा। आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर में आपको लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन मिलेगा। अगर पहले से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो साइनअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। अपना मोबाइल नंबर आपको एक डालना है। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में आप फिलअप करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड बनाकर अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप लॉगिंग वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपना जो भी मोबाइल नंबर डालकर अपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालना है और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करके नीचे रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी अपना यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई और लॉगिंग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई वाले लॉगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए फॉर्म 6 वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। इस तरीके से क्लिक करते अगला इंटरफेस इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना होगा, तो जो भी आपका स्टेट है आपको स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं डेमो के लिए अभी सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको सिलेक्ट असेंबली का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका विधानसभा होगा आपको अपना विधानसभा यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम इंटर करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जो भी आपका नाम है आपको इंग्लिश में अपना नाम यहाँ पर टाइप कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, अगर आपका नाम सूरज है तो यहाँ पर सूरज टाइप करेंगे। उसके बाद आप नीचे जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा, आपको हिंदी में टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मान लीजिए ऑटोमेटिक जो ले रहा है यहाँ पर वो गलत हो जा रहा है तो यहाँ पर कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हिंदी कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, आप हिंदी में अपना नाम को सुधार कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर अगर कोई सरनेम है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ पूछा जा रहा है, तो देख सकते हैं आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए, देख सकते हैं उसका जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए और यहाँ पर साइज कितना है वो भी आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो बस आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर और अपना जो भी यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे चूज फाइल के ऑप्शन पे तो यहाँ पर आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, जो भी आपका फोटो है आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अगला इंटरफेस जो होगा आपको यहाँ पर रिलेटिव पूछा जाएगा। तो आप अपने वोटर आईडी कार्ड में आप किसका नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर फादर वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम होगा आपको यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है, हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपके फादर नेम में सरनेम भी है तो सरनेम आप यहाँ पर डालेंगे इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा, तो बस आपको ऊपर वाला ऑप्शन सेल्फ वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। अगर आप ईमेल आईडी भी देना चाहते हैं तो सेल्फ वाला ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका ईमेल आईडी है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो आधार नंबर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होगा अपना नंबर यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करना होगा, तो बस इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका ईयर ओपन हो जाएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा अपना ईयर इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका मंथ है आपको इस तरीके से जो भी आपका मंथ होगा आपको अपना मंथ देख लेना है और मंथ देखने के बाद यहाँ पर जो भी आपका डेट होगा अपना डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर सेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट प्रूफ में
यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मैट्रिक इंटर का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको आधार कार्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको चोज फाइल पे क्लिक करके देख सकते हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट साइज मैक्सिमम 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। तो यहाँ पर चोज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप गैलरी में जो भी आपने फोटो क्लिक किया हुआ है उसे यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका फुल एड्रेस है वो एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर हाउस अपार्टमेंट नंबर पूछ रहा है, तो अगर आपके घर में किसी का भी वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है तो आप उसके वोटर आईडी कार्ड के पीछे देख सकते हो वहाँ पर हाउस नंबर दिया गया होगा, आप उसे यहाँ पर एंटर कर लेंगे। या हाउस नंबर कैसे निकालते हैं इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका गाँव शहर का नाम होगा आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको अपना गांव, यहाँ पर भी गांव शहर का नाम आपको डाल लेना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस वाले ऑप्शन में अपना पोस्ट ऑफिस डालना है हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पर इंटर करेंगे, जो भी आपका तहसील होगा आपको यहाँ पर वो इंटर कर लेना है। यहाँ पर नीचे डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस यानी एड्रेस प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो बस आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन के ऊपर, चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना है इस लिस्ट में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है। तो चलिए मैं यहाँ पर भी आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको क्या करना है देख सकते हैं, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ यानी जब कि आप आधार कार्ड होगा उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, यानी फोटो कॉपी करके उस पर सिग्नेचर कर लेंगे, उसका फोटो क्लिक करके आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटोज है यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। के बाद अगला इंटरफेस, अगर आपके अंदर कोई डिजिबिलिटी है, कोई विकलांग है तो यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आपके फैमिली मेंबर में पहले से किसी का भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो आप उसका यहाँ पर इंटर कर दीजिए डिटेल्स। तो आप अगर अपना वोटर आईडी कार्ड चाहते हैं तो आपका जल्दी अप्रूव हो जाए, जल्दी बन जाए, तो आपके अगर घर में किसी का पहले से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो उनका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। रिलेशन में सिलेक्ट रिलेशन वाले ऑप्शन में उनके साथ आपका रिलेशन क्या है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उनका जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर होगा वो यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका गाँव शहर का नाम होगा वो यहाँ पर देना है। सिलेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो भी स्टेट होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप इस एड्रेस पर कितने दिनों से रह रहे हैं, तो यहाँ पर मंथ और ईयर देना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप वही सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पर प्लेस वाले ऑप्शन में अपने गाँव शहर का नाम आपको डाल लेना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो भी आपने फॉर्म 6 फिलअप किया हुआ है सब कुछ आपको यहाँ पर सारा ऑप्शन देख लेना है, सारा डिटेल्स जो भी आपने एंटर किया हुआ है एक बार आपको यहाँ पर चेक करना है कि सब कुछ आपका सही है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, अगर सही है तो सबमिट कर देंगे, नहीं तो यहाँ पर कीप एडिटिंग का ऑप्शन दिया गया है, अगर कुछ गलत हो गया है तो कीप एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा अपने उस ऑप्शन में जाकर उसे सुधार कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट करेंगे तो आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगा, उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में सेव कर लेना है, या एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भी डाउनलोड करके रख लेना है ताकि आप आसानी से उस रेफरेंस नंबर के जरिए आप अपने स्टेटस को चेक कर पाएँ कि आपका वोटर आईडी कार्ड बना या नहीं।